Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. जो बाहर से migrant labour आ रहे हैं, उनके लिए ब्यावर से हमारे को उनको transfer करनी है. उसके लिए अजमेर आगार द्वारा 10 वाहनें, अजमेर आगार द्वारा 15 वाहनें, कुल 25 वाहनें ब्यावर आगार हेतु प्रस्थान करवाई गई है. ये वहाँ वो लेबर आने पे ही पता चलेगा. उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सैनिटाइज करके बस को यहाँ से मास्क वगैरह चालक परिचालकों को दे के हमने प्रस्थान करवाया. कहाँ भेजी गई है अपनी तरफ? अपनी तरफ से ब्यावर आगार में भेजी गई है. वहाँ के मुख्य प्रबंधक जिस दिशा में वाहन को प्रस्थान करवानी है करवाएंगे. मेरा नाम मुख्य प्रबंधक पद्मचंद जैन, अजमेर आगार. जी, आज 25 गाड़ियाँ ब्यावर आगार के लिए भेजी गई है. उसमें से 10 वाहन अजमेर आगार की और 6-15 वाहन अजमेर आगार की है. ब्यावर आगार मुख्यालय के निर्देशानुसार जहाँ भी वाहन भेजना होगा उनको वो उनकी व्यवस्था है तो वहाँ पर वाहन भेजी गई है. इसके अतिरिक्त भी जिला प्रशासन से भी लिस्ट प्राप्त हुई है. उसमें भरतपुर के लिए 965 श्रमिक, बारा के लिए 203 श्रमिक, कोटपुतली के लिए 30 श्रमिक और उदयपुर के लिए 36 श्रमिक भेजे जाने प्रस्तावित हैं, जिसकी सूची उनसे प्राप्त हो गई है. बोर्डिंग पॉइंट के लिए हम उनसे संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ से इनको श्रमिकों को उठाना है, क्या व्यवस्था रहेगी, कितने बजे भेजना है. उसके जो भी डायरेक्शन मिलेंगे वहाँ से मुख्यालय की अनुमति मिलने के बाद वहाँ पर भी वाहन प्रस्थान करा जाएगी. जैसे निर्देश मिले कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 25-30 पैसेंजर श्रमिक ही एक वाहन में जाएंगे, तो इसी अनुसार भरतपुर के लिए 32 वाहन, बारा के लिए 7 वाहन, कोटपुतली के लिए 1 वाहन और उदयपुर के लिए 1 वाहन भेजना प्रस्तावित है. और हम निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कंट्रोल रूम या वार रूम से, जो भी निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार भी. अभी तक तो केवल 25 गाड़ियाँ गई है दोनों डिपो से, जो ब्यावर गई है, और ब्यावर इनको फर्दर डायरेक्शन मिलेंगे आगे वो कहाँ जाती है तो हेड ऑफिस डिसाइड करेगा. सुदीप शर्मा, चीफ मैनेजर अजमेर डिपो.